बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं, चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत देर से ये बातें सुनते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना से ये J-10C जहाज़ जो है ये परचेज़ कर रहा है। मैंने आपको J-10 के ऊपर एक वीडियो भी बना के दी थी जिसमें मैंने आपको J-10 की तमाम कहानी जो थी वो बताई थी। उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि क्यों पाकिस्तान को J-10 जहाज़ जो है वो परचेज़ नहीं करना चाहिए। उस वक्त जो बातें सामने आ रही थी उनके मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ 36 J-10C जहाज़ जो है वो परचेज़ करने जा रहा है। मैंने आपको समझाया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ 36 J-10C जहाज़ जो है वो परचेज़ करे। अगर पाकिस्तान ने ये J-10C जहाज़ परचेज़ किए तो उनका नंबर 80-85 से कम कभी भी नहीं होगा। मैं आज भी अपनी उस बात को सेकेंड करूँगा, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि वो वक्त आ गया है कि शायद पाकिस्तान जो है वो इन J-10C जहाज़ों की तरफ जाए। उसकी क्या रीज़न है, पिछले एक साल के अंदर किस तरह से ये चेंजेस आई, हालात ने किस तरह से जो है वो पलटा खाया कि आज पाकिस्तान जो है वो J-10C जहाज़ों की तरफ चला जाए। देखें, एक वक्त था जब पाकिस्तान जो था वो टोटली अमेरिकन कैंप में था। पाकिस्तान ने उस वक्त अमेरिका से F-16 जहाज जो थे वो परचेज किए। F-16 जहाज जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक पिवट का काम कर रहे हैं, हाई एंड जहाज हैं। JF-17 थंडर को पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एज ए लो एंड जहाज इस्तेमाल करती है। लो एंड जहाज़ों की तादाद डेफिनेटली ज़्यादा होती है, हाई एंड जहाज होते हैं वो आपके पास थोड़े होते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान एयरफोर्स का जो प्लान था उसके मुताबिक आई बिलीव कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो टोटल रिक्वायरमेंट थी F-16 जहाज़ों की वो तकरीबन 120-125 जहाज़ों की थी, जो कि अब किसी भी सूरत पूरी होती नज़र नहीं आ रही। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न जो है ये जियो पॉलिटिक्स है। पिछले दिनों आप लोगों को जैसे पता है कि अमेरिका के प्रेजिडेंट जो बाइडन ने एक समिट फॉर डेमोक्रेसी जो थी उसका इनकार किया था। ये समिट फॉर डेमोक्रेसी जो थी इसके बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका एक चाइना और रशिया के खिलाफ ब्लॉक बनाने जा रहा था, जिसके बारे में रशिया और चाइना दोनों ने जो है वो खुलकर मुखालफत की थी। और इस समिट ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो एक ईवल प्लान जो था वो कहा था। और ना सिर्फ रशिया और चाइना की ये सोच थी बल्कि और बहुत से ममालिक की भी ये सोच थी कि ये जो समिट फॉर डेमोक्रेसी है ये दुनिया के अंदर ब्लॉक्स पॉलिटिक्स को जो है वो बढ़ावा देगी और दुनिया जो है वो ब्लॉक्स के अंदर तकसीम हो जाएगी। इस समिट के अंदर पाकिस्तान को भी जो है वो इनवाइट किया गया, बांग्लादेश को इनवाइट नहीं किया गया। क्यों? बांग्लादेश के अंदर तो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान के अंदर भी डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर बांग्लादेश को क्यों इनवाइट नहीं किया गया और बहुत सी कंट्रीज को जो है वो अमेरिका ने इनवाइट नहीं किया। बेसिकली इस समिट फॉर डेमोक्रेसी के अंदर अमेरिका ये देखना चाहता था कि कौन कौन सा मुल्क इस वक्त अमेरिका के साथ है और कौन सा मुल्क जो है वो इस वक्त चाइना के साथ है। पाकिस्तान को भी जैसा कि मैंने आपको बताया गया इन्वाइट किया गया था, पाकिस्तान ने इन्विटेशन को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, अच्छे तरीके से रिजेक्ट किया लेकिन अल्टीमेटली रिजेक्ट कर दिया। और पाकिस्तान ने कहा हम इस समिट फॉर डेमोक्रेसी में शामिल नहीं हो रहे और हम किसी भी ब्लॉक पॉलिटिक्स का जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा। इस मौके के बाद आई बिलीव आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मजीद F-16 हासिल करना जो है वो एक नामुमकिन बात हो गई है। इस वक्त भी अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा मौजूद है जिसके तहत पाकिस्तान अमेरिका से 18 ब्लॉक 52 के F-16 परचेस कर सकता है, लेकिन आई बिलीव कि अब वक्त गुजर चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त तकरीबन 85 के नजदीक जो है वो F-16 मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो टोटल रिक्वायरमेंट है F-16 की वो तकरीबन 125 जहाजों की है, तो अपने टारगेट से पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त भी जो है वो 30-35 जहाज जो है वो शॉर्ट है। पाकिस्तान एयरफोर्स को आज भी 30-35 F-16 की रिक्वायरमेंट मौजूद है, लेकिन इस वक्त अमेरिका जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को अब ये F-16 नहीं सेल करेगा। जियोपॉलिटिक्स की वजह से, जैसा कि पाकिस्तान ने उनके समिट फॉर डेमोक्रेसी के अंदर जाने से इनकार कर दिया और क्लियरली जो है पाकिस्तान चाइना के साथ जाके खड़ा हो गया, अपने एक्शंस के जरिए से पाकिस्तान ने यह बता दिया कि आज वो चाइना के साथ खड़ा है। फॉरन ऑफिस जिस तरह की भी स्टेटमेंट जो है वो जारी करता रहे, लेकिन अपने एक्शन से पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि वो आज चाइना के कैंप में जाके खड़ा हो गया। इस वजह से मैं कह सकता हूं कि अब मजीद F-16 पाकिस्तान को नहीं मिल सकते। पाकिस्तान अगर उनकी पेमेंट कर भी देगा तो अमेरिका उनकी पेमेंट जो है वो होल्ड कर लेगा और आपको F-16 भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पास्ट के अंदर भी अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ये किया हुआ है। 90s के अंदर पाकिस्तान ने $640 मिलियन या इसके नजदीक कोई पेमेंट जो थी वो अमेरिका को दे दी थी और अमेरिका ने पाकिस्तान को उसके बदले में F-16 नहीं दिए थे, सोयाबीन्स दे दिए थे। हमने सोयाबीन्स का क्या अचार डालना था, $600 मिलियन के सोयाबीन्स दे दिए थे और उस वक्त 90s के अंदर $600 मिलियन जो थे वो बहुत बड़ी रकम थी। अच्छा, दूसरी यहां पे मैं एक और बात करना चाहता हूं। पास्ट के अंदर जब इंडिया रशिया के साथ खड़ा हुआ था और इंडिया के पास तमाम इक्विपमेंट जो था वो रशियन था, MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-27, MiG-29, ये मैं आपको इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि इंडियंस नहीं मानते कि हम रशियन कैंप में थे, अपने आप को नॉन अलाइंड स्टेट बोलते थे। अगर नॉन अलाइंड स्टेट ही थे तो ये सारे मिक्स जो थे ये म्यूजियम में रखने के लिए उन्होंने परचेस किए थे। इंडिया समझते हैं अगले जो है वो बिल्कुल ही बेवकूफ किस्म की कौम है।
है। बहरहाल एनीवे इंडिया जो था वो रशियन कैंप में था, सारे का सारा असला जो था उसके पास रशियन था, उसके पास टैंक्स जो थे सारे रशियन थे, जहाज जो थे सारे रशियन थे, उसकी नेवी जो थी वो सारी रशियन इक्विपमेंट से भरी हुई थी, उसकी जो सबमरीन थी वो सारी की सारी रशियन थी। लेकिन इंडिया जो था वो एक नॉन अलाइंट स्टेट था, ये वो आज तक कहेंगे। उस वक्त पाकिस्तान जो था वो अमेरिकन कैंप में था, पाकिस्तान के पास सारे का सारा असला जो था वो वेस्ट से परचेस किया हुआ था, फ्रांस से परचेस किया हुआ था, अमेरिका से परचेस किया हुआ था। उस वक्त का असला अगर देखा जाए तो उस वक्त का जो वेस्टर्न असला था वो इस रशियन असले से बेहतर था। हमने 65 वॉर के अंदर पुराने F-86 सेबर से इंडिया का मुकाबला किया, 71 के अंदर इंडिया के पास MiG-21 आ गए हुए थे, किस तरह से दबा किए हमने पठानकोट के अंदर वो एक अलहदा बात है, लेकिन उनको उड़ने नहीं दिया हमने। उस वक्त हमारे पास F-104 आ गए हुए थे, इंडियंस चालू थे उन F-104 से। तो जिस वक्त वेस्ट की टेक्नोलॉजी बेहतर थी ना, उस वक्त पाकिस्तान वेस्ट के साथ खड़ा हुआ था। आज देखें हालात ने किस तरह से पलटा खाया, आज चाइना ने टेक्नोलॉजिकली जो है वो अमेरिका को चैलेंज करना शुरू कर दिया। डेफिनेटली इस वक्त चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है ना वो कई मामलों में अमेरिका से आगे है, AI में वो अमेरिका से आगे हैं, 5G टेक्नोलॉजी में वो अमेरिका से आगे हैं, कई स्पेक्ट्रम्स ऐसे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी में वो अमेरिका से आगे जा चुके हुए हैं। बहुत से मामलों में इस वक्त अमेरिका उनसे आगे है, लेकिन इस वक्त चाइना जो है वो उनको कैच अप करता जा रहा है। रिसेंटली ये जो PL-15 जैसा मिसाइल है इसने अमेरिका की दौड़ें लगवाई हुई है, इंडियंस माने ना माने अमेरिकन की दौड़ें लगी हुई है इस वक्त, और अमेरिकन इस वक्त सोच रहे हैं कि हम किस तरह से इस PL-15 का मुकाबला करें। वो जो अपना एक AIM-260 मिसाइल बना रहे थे उसको उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड अप कर दिया है, AMRAAM के एक अपग्रेडेड वर्जन का उन्होंने एक रिसेंटली तजर्बा किया। तो अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो उसकी सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी जो है ना वो इस वक्त एयर टू एयर मिसाइल बन चुके हुए हैं, किस वजह से, इस PL-15 की वजह से। सिर्फ PL-15 की वजह से नहीं, ओवरऑल इस वक्त जो चाइनीज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो अमेरिका के लिए एक सरदर्द बने हुए हैं। चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो अमेरिका के लिए सरदर्द बने हुए हैं। पिछले दिनों अमेरिका ने एक और हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया, वो भी नाकाम हो गया। तो अमेरिका के इस वक्त जो काफी ज्यादा काम है ना वो सारे के सारे उल्टे पड़ते जा रहे हैं, चाइना के जितने भी काम है वो सारे के सारे इस वक्त ठीक हो रहे हैं। तो लगता ऐसे है कि पाकिस्तान इस वक्त फिर उस कंट्री के साथ खड़ा है कि जो कि इस वक्त टेक्नोलॉजिकली जो है वो सुपीरियर बनती जा रही है। इस वक्त नहीं है लेकिन आने वाले दिनों के अंदर टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर बनती जा रही है। तो शायद इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये डिसीजन लिया है कि अब वो वक्त है कि हम अब इस J-10 जहाज को जो है वो परचेस करें। J-10 जहाज को पाकिस्तान शुरू में भी परचेस करना चाहता था लेकिन पाकिस्तान ने इस जहाज को जो है वो बहुत सी वजूहात की बिना पे जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है JF-17 थंडर चाइना के साथ ही मिलकर बनाया। चाइना ने बहुत कुछ सीखा पाकिस्तान से, पाकिस्तान वेस्ट की टेक्नोलॉजी जो यूज करता चला रहा था F-16 वगैरह, तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है ये F-16 वगैरह, ये एरियाइज वगैरह, तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है इसको चाइना ने आई बिलीव के ऑब्जर्व किया है, और पाकिस्तान के साथ जो वो मिलके अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं इससे उन्होंने काफी कुछ सीखा है। और जो JF-17 थंडर की जो मेकिंग के अंदर पाकिस्तान ने उनको अपना नॉलेज ट्रांसफर किया है उसकी बेस के ऊपर अब चाइना ने अपनी ये जो एयरफोर्स है उसको अच्छे तरीके से बिल्ड किया। ये J-10C जहाज जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके अंदर तमाम वो चीजें जो है वो शामिल कर ली गई हैं जो पहले J-10A जहाज के अंदर नहीं थी और उसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिजेक्ट किया था। लेकिन अब ये J-10C जहाज PL-15 मिसाइल के साथ मिलके साउथ एशिया के अंदर एयर डोमिनेंस के लिए एक बहुत पोटेंट जहाज बनता जा रहा है और पाकिस्तान इसको जो है वो एक्सरसाइजेस के अंदर अब देखता भी चला आ रहा है। तो आई बिलीव कि इट्स अबाउट टाइम कि अब पाकिस्तान जो है वो इस J-10C जहाज को जो है वो परचेज कर लेगा। लेकिन फिर वही रिपीट करता चलूं, कभी भी 36 के नंबर में परचेज नहीं करेगा। हो सकता है इनिशियल ऑर्डर 36 का ही हो लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान इसके नंबर को जो है वही 125 तक ही लेके जाएगा जो उसका ओरिजिनल प्लान था वो F-16 के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, होपफुली आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आप क्या समझते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।